हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, वर्ल्ड कप देखने आए पर्यटकों के होटल के रूम का किराया सुन पाकिस्तानी बेहोश। बताऊंगी यार कि इतने महंगे होटल और क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में। भैया अच्छा हुआ हम हार के चले गए, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं था, हम इतने महंगों में कैसे रह लेते। ये मजे की बात है, मैंने रोस्ट किया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब करने ला, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज वहां पे भी आ रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम कोशिश कर रहे हैं आज के वर्ल्ड कप के लिए लाइव आने की। तो पहले हम ट्रायल करेंगे आपके 11 बजे सुबह के, तो वहाँ इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आएंगे लाइव। तो टेस्टिंग होगी 11 बजे और उसके बाद उसी हिसाब से फिर कोशिश होगी कि 1 बजे आपने। ओ हो यार, एक तो ये बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि 1 बजे शुरू होगा इंडिया टाइम, तो हमारे होगा 1:30। ओ ठीक है, तो हमारे होगा 1:30। बड़ा कंफ्यूजन होता है यार मेरे डिफरेंस ऑफ टाइम में करने में। तो 1 बजे फिर आपके हम आएंगे एक्चुअल वो देखने के लिए, उसे थोड़ा पहले ही आके बैठ जाएंगे। भैया रिस्क नहीं ले सकते ना कि कुछ मिस हो जाए। तो चलो आप मेक श्योर करना कि इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन इन कर लेना, अगर आपको लाइव हमारे साथ मज़े लेने हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप अभी कंटिन्यू है, एंड तक तुम्हारा एंड हो गया ना? जनरेट कर लेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यही कोई 1000 करोड़, 1000 करोड़ तकरीबन, 1000 करोड़ तो कमा ही लेगा। ओ भाई, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ना, एट अ टाइम एक वक्त के अंदर 130,000 लोग उस स्टेडियम के अंदर पूरे आते हैं। सिर्फ एक स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें से 500 भी लगा लो टिकट के, तो वो भी फिर 1000 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं पैसे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो पहले स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद आप उनके होटल्स की बात करें, तो उन्होंने पर नाइट के हिसाब से अपने आप को डबल से ट्रिपल किया है। अब वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे जा चुका है। अगर आपने अच्छा कमरा लेना है, 4 से 5 लाख पे भी वो जा चुका है। और हमारे पाकिस्तान को ये दहशतगर्द देते हैं, दहशतगर्द मुल्क है। हाँ, तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप होना चाहिए, हमारा मुल्क भी। एशिया कप था तो सही पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया ने कहा हम तो नहीं। 1,30,000 बंदे के बैठने की जगह, इतनी कैपेसिटी है और इतना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना प्यारा बनाया हुआ है, तो टूरिज्म खुद ब खुद बढ़ता है, लोग पूरी दुनिया से मैच देखने आती है। इससे उनकी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक फायदा कर दे रहा है, इसी के साथ वहाँ पे टूरिज्म कितना, वहाँ पे और कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे वो अपनी जगह पर। जबकि हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जनाब IMF से जो $70 करोड़ मिल गया, वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है। शादियां ने बजाओ, खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के इस फाइनल मैच के लिए भारतीय लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये टोटल पैसा पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज से भी ज्यादा है। वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा पता? हिंदुस्तान में हो रहा है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, वर्ल्ड कप अभी कंटिन्यू है, एंड तक कितने पैसे कमा लेगा, जनरेट कर लेगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान यही कोई 1000 करोड़, 1000 करोड़ तकरीबन, 1000 करोड़ तो कमा ही लेगा। ओ भाई, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ना, एट अ टाइम एक वक्त के अंदर 130,000 लोग उस स्टेडियम के अंदर पूरे आते हैं। सिर्फ एक स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें से 500 भी लगा लो, 500 की टिकट कौन सी होती होगी, 500 की तो होती नहीं होगी, 1000 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं पैसे। अंदाजा लगाओ, ज्यादा करो। एक मैच की बात कर रहे हैं कि टोटल, ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, फिनिश तक यही कोई बैठ गया पाकिस्तानी रुपए में इतने पैसे क्या करते हो? पैसे क्या करते हैं ये भाई, वो अपने प्लेयर्स को देते हैं। जैसे कि हम अपने जो बगैरत टीम में कैप्टन बनाया हुआ है 66 लाख, तो हम उसको दे रहे हैं, तो उनके तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, KL राहुल, और नाम कितने लेता जाऊंगा ना, वो कम है। तो उनके बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनको देते हैं, वो अपनी आवाम पे लगाते हैं। तो जो हमारे मुल्क वाले वो सिर्फ अपनी पॉकेटें गर्म करते हैं। तो वो क्या कहेंगे अगर डॉलर्स में जाएंगे, $2.6 बिलियन बनते हैं भाई, सानू 1 करोड़ ही दे दो रब दा वास्ता। आप लोग घर नहीं देख सकते $2.6 बिलियन के। अगर $1 बिलियन की बात करें, $1 बिलियन के लिए IMF के पास जाकर हमारे हुक्मरानों का क्या हाल होता है? हमारे हुक्मरान जाके उनके जूते पॉलिश करते हैं, भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे हमें दे दो यार। मुल्क में बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, फिर हम $2 बिलियन देंगे या $1 बिलियन देंगे। वो सिर्फ उनके आप माइंडसेट देखो भाई, वो किस तरह से पैसे जनरेट करने को जानते हैं।
अब दरअसल कल 19 नवंबर को वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद में होगा और इस मैच को स्टेडियम में देखने के लिए भारतीय क्रिकेट प्रशंसक पहले से ही अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी सारी तैयारियां कंप्लीट कर रहे हैं। मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अहमदाबाद की सारी होटल बुक हो चुकी हैं और न केवल अहमदाबाद बल्कि अहमदाबाद के आसपास की जो जगह हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां की भी सारी होटल बुक हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट को स्टेडियम में देखने के लिए दुनिया भर से लोग अहमदाबाद आ रहे हैं और इसी की वजह से अहमदाबाद में होटल की मांग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक एक रूम के लिए 2-2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मैच को देखने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ स्टेडियम में मौजूद होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मैच से पहले ही स्टेडियम पहुंच चुकी है ताकि वो सारी तैयारियां कंप्लीट कर सकें और इसीलिए भारतीय क्रिकेटर्स को देखने के लिए बाहर क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं उनका जमावड़ा लग गया है। वर्ल्ड कप 2023 के इस फाइनल मैच की वजह से अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ रही है और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो लोग अहमदाबाद की एयरपोर्ट से सफर करना चाहते हैं तो वो 1-2 दिन पहले ही अहमदाबाद आ जाएं ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो सके। क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंडिया को कितना फायदा हो रहा है? अभी जो हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया, कई प्रोग्राम किए और आपको बताया कि किस तरीके से वहां के क्रिकेटर्स भी ये समझते हैं कि खवातीन को स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमारे नजदीक यानी वहां पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो एक इजाफी चीज होती है। हमारे वहां पाकिस्तान में पढ़ने जाते हैं, चलो वो जो एनसीसी होती है, कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स इसलिए होता है कि नंबर मिल जाएंगे, 20-30 नंबर मिल जाएंगे तो स्पोर्ट्स ले लो, और कहीं पर अगर दाखला ना मिल रहा हो आगे चलकर तो ये जो स्पोर्ट्स के तुम्हारे पास नंबर होंगे ये तुम्हें फायदा देंगे, तो तुमने ये चीज खेली हुई है। सिर्फ और सिर्फ इतनी अहमियत दी जाती है वहां पर स्पोर्ट्स को। और हमने देखा कि बड़े बड़े बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमारे बड़े से बड़े जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनके मुताबिक भी कहा गया कि इनको ये इस बेस पर दाखला मिला था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से बात की जाती कि जनाब इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया था तो क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट के नंबर भी उसमें शामिल थे, उस बेस पर एडमिशन मिला था। चले ये और ऐसी कई एक मिसालें और भी होंगी जिन्होंने हो सकता है कि स्पोर्ट्स की बेस पर जो है दाखिला लिया। भैया स्पोर्ट्स की बेसिस पे नहीं होता, इनमें बहुत डोनेशन होती है। अगर आप खूब पैसा दे दो तो यूनिवर्सिटीज जो होती हैं इनको ले लेती हैं, या आपका आपके एक फादर कोई बहुत बिग पर्सनालिटी हो, मतलब कहीं के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो तो भी उनको ले लेंगे। हाँ स्पोर्ट्स का भी कोटा होता है, पर वो अगर वो गेम वहाँ खेली जा रही हो, क्रिकेट अगर उसको उस कॉलेज में होती ही नहीं है स्पोर्ट्स तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। मतलब यूएसए में अगर तुम बोलोगे क्रिकेट तो उसका कोई तुम्हें फायदा नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड की बात करें तो वहाँ हो सकता है क्रिकेट हो सकता है, एग्जैक्टली, क्योंकि यूके में तो क्रिकेट खेली जाती है, तो हो सकता है स्पोर्ट्स कोटा भी होता हो और साथ में बहुत डोनेशन भी दो तो भी हो जाता है। डोनेशन से तो कहीं पे भी आप जा सकते हो, दुख की बात है पर सच्चाई है। पर एनीवे बैक टू द भैया, आज वर्ल्ड कप है तो भैया वर्ल्ड कप का देख लो धूम मची हुई है, कह रहे हैं सब कुछ बोर्ड, अब तो खाली वही एरिया में नहीं बाहर भी सारे होटल, दूर दूर इलाकों के भी होटल बुक हो गए हैं, लाखों में जा रहे हैं। अब अगर किसी को नहीं मिले तो जो बिल्डिंग है आस पास की उनको हम छत पे ही रह लेंगे, छत दे दो अपनी, लोगों को अपॉर्चुनिटी है अच्छे घर बना दीजिए ऊपर छतों पे, लोगों को अलाउ करिए कि ये तो परमानेंट बिजनेस बन जाएगा। बहुत अच्छा बिजनेस बन गया अहमदाबाद में जहाँ पे स्टेडियम है, क्योंकि अब तो भैया सारे क्रिकेट और इंडिया को करना चाहिए। तंबू लगा दो, हाँ तंबू लगा दो, टेंट वेंट लगा दो, लगा दो और लोगों को रख दो, उसको एक पक्का बना दो, रेस्टोरेंट वगैरह, अच्छी बिजनेस हो जाएगा सबका। और जो जो अभी खोल रहे हैं सुन के थोड़ा सा अपना उसमें से जो है ना 10% जो कमाई होगी वो हमको भेजना अपने आप ही, हाँ क्योंकि ये आइडिया हमारा है, तो भैया इस आइडिया के लिए हमें थोड़ा सा कमीशन दे देना। तो चलो भैया अब तो एक्साइटमेंट हो रही है, अब तो वेट नहीं हो रहा कि भैया जल्दी से वर्ल्ड कप शुरू होए और ये जो पाकिस्तानी है इनको देखो कि कितनी कमाई हो रही है, उनको तो कमाई दिख रही है भैया, इतना पैसा इंडिया कमा रहा है, तुम रोते ही रहो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।